यह कहानी श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरित है, जो जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य को समझाती है। कहानी का शीर्षक, सुख और दुख के पहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जो अपने जीवन में निराश और दुखी था। उसे लग रहा था कि उसका जीवन असफलताओं से भरा हुआ है। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी में कभी भी सुख नहीं आएगा। एक दिन वह अपने सारे दुखों से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे प्रभु, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों मुझे इतना कष्ट सहना पड़ता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, चलो मेरे साथ एक यात्रा पर। युवक मान गया और श्री कृष्ण के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक स्थान पर पहुंचे जहां एक विशाल रथ खड़ा था। रथ के दो पहिए थे, एक पहिया सोने का बना हुआ था और दूसरा लोहे का। श्री कृष्ण ने युवक से कहा, इस रथ को देखो, इसे चलाने के लिए दोनों पहियों की जरूरत है, एक सोने का और एक लोहे का। अब मुझे बताओ, क्या यह रथ सिर्फ सोने के पहिए से चल सकता है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, रथ को चलाने के लिए दोनों पहियों का होना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, ठीक इसी प्रकार जीवन भी एक रथ है जिसमें एक पहिया सुख का है और दूसरा दुख का। यदि केवल सुख ही सुख हो तो जीवन अधूरा हो जाता है, और यदि केवल दुख ही दुख हो तो भी जीवन संतुलन में नहीं रहता। दोनों पहियों के साथ चलने से ही जीवन आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। सुख में अहंकार मत करो और दुख में निराश मत हो, क्योंकि दोनों ही क्षणभंगुर हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। युवक को अपनी समस्या का उत्तर मिल गया। उसने समझ लिया कि जीवन में सुख और दुख दोनों का समान महत्व है। वह अब अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का स्वागत करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों पहिए ही उसके जीवन रथ को आगे बढ़ाने वाले हैं। शिक्षा, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। हमें इन दोनों का सम्मान करते हुए संतुलित जीवन जीना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का असली मार्ग है।